देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जहरीले सांप के काटने से एक युवक की हुई मौत। युवक की हालत गंभीर होने पर ले जाया गया अस्पताल। जी हाँ, पूरा मामला शक्ति फार्म के सुरेंद्र नगर नंबर 5 का है, जहां धान की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गए युवक को जहरीले सांप ने काट लिया। ये देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी युवक की हालत बिगड़ता देख परिजनों ने गोपाल को बिलासपुर स्थित अस्पताल ले गए। वहां से गोपाल को रविवार सुबह दवाई देकर घर भेज दिया गया। घर पहुंचकर गोपाल की हालत गंभीर हो गई और उसे दोबारा आनंद फानन में सितारगंज स्थित निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां युवक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है, लेकिन मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह ये गया था खेत पे स्प्रे करने के लिए, नदी पार खेत है, तो करीब 9 बजे करीब गया खेत में स्प्रे करने के लिए। तो वो मेड़ से जा रहा था पानी लेके, और वहाँ मेड़ से जाते जाते सांप ने डस लिया इनको। फिर वहाँ से तो घर लेके आया, घर पे इनको झाड़ फूक भी कराया था। फिर शाम के करीब ले गया अस्पताल, ले गया बिलासपुर में। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने वहाँ ट्रीटमेंट किया, फिर वहाँ से घर भेज दिया। घर भेजने के बाद फिर सुबह उसको कुछ अजीब सा लग रहा था, बेचैनी फील हो रही थी। फिर यहाँ से ले गया था ये सितारगंज प्रयास अस्पताल में, वहाँ पे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कुछ देर बाद वो दम तोड़ दिया वहाँ पे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।